हमारा खान पान आजकल ऐसा हो गया है जिसकी वजह से हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से सबसे बड़ी दिक्कत है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कहने को तो एक छोटी सी मामूली सी दिक्कत है, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा दिनों तक के लिए हो जाता है तो ये आपके शरीर में नई नई बीमारियों को एंट्री देगा। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। गाइज, मैं सिमरन अरोड़ा एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया ये है कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉन्स्टिपेशन। तो जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कतें अक्सर फेस करनी पड़ती हैं, तो गाइज आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। सो वीडियो को एंड तक देखेंगे एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आने वाली है। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको बेसिक टिप्स देने वाली हूँ जो आपको इजीली अवेलेबल होगा आपके किचन में, तो आप आसानी से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है तो आप रात को सोते समय 10-12 मुनक्के लीजिए, उनको दूध में डाल के उबाल लीजिए। उबालने से पहले याद रखें कि उनके बीज आपको निकालने हैं, तो जो मुनक्के हैं मुनक्के के बीज निकालने के बाद ही आप उसको दूध में उबालें। उन मुनक्कों को दूध में उबालने के बाद उन मुनक्कों को खा लीजिए और आपने जिस दूध में मुनक्कों को उबाला था उस दूध को भी आप पी लीजिए। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, सुबह तक आपको आराम आ जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप इसको 3-4 दिन तक लगातार कीजिए, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। ये टिप बहुत ही इजी है और आप आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें आपको, जैसे अगर आप मेरी एज के हैं तो आपको मम्मी या फिर कोई और नहीं चाहिए होगा उस चीज़ को करने के लिए, आप ये चीज़ खुद भी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अपने नियर बाय कोई भी मेडिकल स्टोर है वहाँ जाइए, आपको इसबगोल लेके आना है। इसबगोल तो आप इसे गुनगुने दूध में 1 और 1.5 स्पून ले सकते हैं। आप इसे सुबह शाम लीजिए, आपको एक बारी में ही आराम मिल जाएगा। अगर एक बारी में आराम इतना नहीं मिलता तो आप 1 या 2 दिन ले सकते हैं, आपको खुद इसमें दिख जाएगा कि कितना इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है आपको। अगर आपके घर में त्रिफला पहले से ही ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर आजकल सबके घरों में त्रिफला आपको अवेलेबल मिलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी दिक्कत है जो हर घर में किसी ना किसी को रहती है, क्योंकि हमारा खान पान ही इतना बिगड़ चुका है। सो अगर आपके घर में त्रिफला ऑलरेडी पहले से पड़ा है, अगर नहीं पड़ा तो आप वो भी लेके आ सकते हैं, आपको कहीं भी मार्केट से मिल जाएगा। तो आप त्रिफले का 1 स्पून लीजिए, 1 चम्मच में आप त्रिफला लीजिए, उसको दूध में घोल करके या दूध के साथ ले सकते हैं। अगर आपको दूध के साथ त्रिफला नहीं लेना तो आप उसको गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। आप ये लेके देखिए, आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। और आप ये रात को लेके सोइए, अगर आप सो रहे हैं और सोने से पहले आप त्रिफला दूध के साथ या गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, आपका सुबह तक पेट साफ हो जाएगा। मैं आपको ये 3 टिप्स दे रही हूँ, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो आप इन 3 टिप्स में से कोई भी एक टिप को यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको दूसरी टिप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहली टिप में ही आराम आ जाएगा। तो आप इनमें से किसी भी एक को यूज़ कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट हो। बाकी बताने को मैं आपको और भी बहुत सारे टिप्स दे सकती थी, लेकिन मैं आपको ऐसी कोई टिप नहीं देना चाहती थी जो आपको दिक्कत हो अपने ऊपर आजमाने में। तो ये आपको ईजिली आप कहीं भी बैठे हुए कर सकते हैं, ये सब बोल आपको कहीं भी मेडिकल से मिल जाएगा तो आप परचेज कर सकते हैं। तो आप इन 3 टिप में से किसी भी एक टिप को यूज़ कर लीजिए, आपको उसी में से आराम आ जाएगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है और आप मेरी इन 3 टिप्स में से किसी एक टिप को यूज़ करके आपको फील होता है कि आपको सच में इफेक्टिव रिजल्ट मिला है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं वेट कर रही हूँ। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर तो करना ही करना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँ, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी मुझसे जुड़ी और मेरे चैनल से जुड़ी हुई। यूँ ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए। और हाँ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो चलिए गाइस अब अलविदा लेती हूँ, अब जाऊँगी तो एक नई वीडियो के साथ जल्दी ही आपके सामने वापस आऊँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी पर्सनल टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं जल्दी ही उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊँगी। तो अब चलते हैं, थैंक यू गाइस, जय हिंद जय भारत।